नमस्कार किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल की ओर से मैं उदय बेड़गांवकर प्रधान वैज्ञानिक और प्रभारी आपसे मुखातिब हूं इस बारे में चर्चा करने के लिए कि खेती किसानी में हम अपनी आय अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। दो तरीके हैं, एक तो उत्पादन में वृद्धि करें, उत्पादन में वृद्धि करके हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है कि हम उत्पादन लागत में कमी करें। और उत्पादन लागत में कमी करने की जब बात आती है तो ऐसे में मशीनों का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और गेहूं में उत्पादन लागत में यदि कमी करनी हो तो जो उन्नत तकनीक आज के समय में उपलब्ध है वो है जीरो टिलेज बोनी। ये आपके सामने जो मशीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जीरो टिलेज बोनी मशीन है। और जीरो टिलेज बोनी मशीन मतलब इस तरह से बोनी करना कि खरीफ की फसल काटने के बाद में किसी भी तरह से कोई जुताई न की जाए। साधारणतया हम खरीफ की फसल काटने के बाद में क्या करते हैं, खेत में जो कचरा होता है उसमें आग लगाते हैं, उसके बाद में एक बार रोटावेटर चला के या दो से तीन बार कल्टीवेटर चला कर उसके बाद में चने या गेहूं की बोनी करते हैं। लेकिन जीरो टिलेज बोनी में आपको किसी भी तरह की जुताई नहीं करना है, ना तो रोटावेटर चलाएंगे, ना ही कल्टीवेटर चलाएंगे और ना ही कचरे को जलाएंगे। खरीफ की फसल कटने के बाद में पलेवा करने के बाद बतर आने पे सीधे सीधे बोनी कर देना है। और ये होता है जीरो टिलेज बुआई, जिस मशीन की सहायता से ये आप जीरो टिलेज की बोनी कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो आपको उत्पादन लागत में कमी। बार कल्टीवेटर चलाकर और खेत को तैयार करते हैं तो हमारे प्रयोग जो कहते हैं वो एक हेक्टेयर का खेत तैयार करने में लगभग 30 से 35 लीटर डीजल का खर्चा होता है, जबकि जीरो टिलेज तकनीक से यदि आप बोनी करेंगे तो ये डीजल का खर्चा आपका सिर्फ 10 से 11 लीटर के आसपास रह जाता है। मतलब प्रति हेक्टेयर आप 20 से 25 लीटर तक डीजल की बचत कर सकते हैं। डीजल की बचत होने के साथ साथ में दूसरे ये फायदे होंगे कि आप खेत में आग नहीं लगाएंगे तो खेत का कचरा खेत में ही रहेगा, खेत का पानी खेत में। उसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि आज जरूरत आन पड़ी है कि हम खेत का कचरा भी खेत में रहने दें। पूरा 100% नहीं तो कम से कम 20 से 25% तक 30% तक खेत में जो खरीफ की फसल का कचरा होता है उसे यदि हम खेत में ही रहने दें और जीरो टिलेज तकनीक से यदि बोनी करें तो ये कचरा मिट्टी में मिलकर और आगे आने वाले सालों में हमारी मिट्टी की हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है।